नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव बिराल से उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पड़ोस के रहने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक महिला रूपा के परिवार वालों की तहरीर लेकर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें, पति विश्वास के द्वारा किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया हुआ था जिसकी किस्त समय से ना जाने के कारण हमेशा पति पत्नी में विवाद होता था। पुलिस के अनुसार आज फाइनेंस की किस्त को लेकर पति विश्वास व पत्नी रूपा के बीच विवाद हो गया था जिस कारण उसने गुस्से में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी क्योंकि रूपा के गले पर चोट के निशान है। हालांकि हत्या के कारणों का भी पता नहीं लग पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या किस तरह हुई थी। सीओ सदर राजकुमार साव ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज थोड़ी देर पहले 112 नंबर पे ग्राम बिरासी थाना चरथावल से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ रहने वाली एक महिला कि यहाँ के ससुराल उसका पति ने उसकी हत्या कर दी है। तत्काल सूचना पे चरथावल थाना पर मैं फोर्स यहाँ पर आए, पूरे घटनाक्रम की जांच की और तत्काल जो यहाँ मृतिका थी उसके शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पीएम कार्रवाई के लिए भेज दिया। हत्या का कारण क्या है? देखिए, अभी ग्राम जो मोहल्ले वाले हैं और इनके मायके पक्ष के जो बड़ोत बागपत के रहने वो भी आए हैं। पूरे अभी तक जो प्रथम दृष्टया पूछताछ में लोगों ने बताया कि जो इसका पति था वो पति माइक्रो फाइनेंस से लोन इत्यादि ले रखा था और किस्त को भरने को लेकर पति पत्नी में विवाद रहता था तो किन्हीं कारणवश इनमें झगड़ा हुआ और उसी क्रम में ये हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल ये प्रथम दृष्टया अभी सामने आई है। अभी इन सारे बिंदुओं पर बृहद जांच करा जाएगा और तब उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, हत्या कैसे हुई? कोई कारण पता लगा? मतलब कोई निशानदेही को पता लगा कि हत्या क्या कारण है, गलत रच कर हत्या की गई है या फांसी लगा कर? देखिए, पूरे अभी डेड बॉडी को मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, इंस्पेक्शन करा गया, पूरी टीम आई थी, फॉरेंसिक की टीम भी थी। गले पे चोट के निशान है जो बाहरी स्तर से, और कोई बॉडी में कहीं भी चोट नहीं आई है। प्रथम दृष्टया ये गला दबाकर हत्या का प्रयास लग रहा है, हत्या किया कराया गया, लेकिन बहरहाल फिर भी पूरे चीज़ों को देखने के लिए हम लोगों ने शव को पीएम के लिए भेजा है। पीएम से पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी किन कारणों से इसकी मृत्यु हुई है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।